बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज की। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये फ्री और ओपन सोर्स है, काफी स्ट्रांग लैंग्वेज है, काफी इजी टू लर्न लैंग्वेज है। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक से, सीधा हम आपके इसके सिंटैक्स वगैरह में चले जाते हैं। तो पाइथन जो है उसमें सबसे शुरुआत में कमेंट होता है, कमेंट के लिए आप ये हैशटैग यूज कर सकते हैं। वहां आप अपना लाइन कमेंट, डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम, रिटन बाय, डेट क्रिएटेड या जो भी आपको लगता है वो यहां पर आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं वेरिएबल्स पे। पाइथन वेरिएबल्स ये डिक्लेयर नहीं होते जैसे हम पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट एक्स, फ्लोट वाई इस तरीके से किया करते थे। यहां पर ऐसा नहीं होता, बस आइडेंटिफायर इक्वल टू लिटरल कर देंगे आप, तो ये जो वैल्यू है ये आइडेंटिफायर में अपने आप आ जाएगी। आइडेंटिफायर इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ये कैंसिस केस सेंसिटिव होता है और इसमें लेटर नंबर्स या अंडरस्कोर ही होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए जो पाइथन का होता है। कन्वेंशंस क्या है, पर केस लेटर्स है वो सारे कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल नेम जो है वो मीनिंगफुल हो, मल्टीपल वर्ड अगर हो आपके तो कुछ इस तरीके से है, अलाइनमेंट अंडरस्कोर सीक्वेंस कर सकते हैं, अलाइनमेंट कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरा ये वर्ड आ गया तो यहां कैपिटल से आप शुरुआत करेंगे। तो पाइथन स्पेसिफिक कन्वेंशंस क्या क्या हो सकते हैं आप अवॉइड करिए, ये जो फॉर्मेट मैं आपको यहां दर्शा रहा हूं ये इस तरीके से फॉर्मेट, पहले अंडरस्कोर बाद में अंडरस्कोर या ज्यादा अंडरस्कोर, इसको सब अवॉइड करिए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो इंटीजर्स है वो जो होल नंबर्स हम जिसे कहते हैं वो ऐसे होते हैं 3, -7, उनका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। फिर उसके बाद होते हैं लॉन्ग इंटीजर्स यानी कि अनलिमिटेड साइज, अनलिमिटेड साइज है कैपिटल एल देखिए। फ्लोटिंग पॉइंट आपका आता है रिप्रेजेंट नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस, या आपके डेसिमल प्लेसेस यहां पर आ जाते हैं। ऑक्टल देखिए, ऑक्टल वैल्यू है 8 से नीचे है सारी, हेक्साडेसिमल में वैल्यू 0x करेंगे तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस आई बाई आई बी के फॉर्म में या एक्स प्लस आई जे के फॉर्म में यहां पर आपको मैंने दर्शाया है। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स में क्या है कि आपके पास कुछ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात हो रही है। 5 और 3 अगर हम वाई और जेड माने और इनको हम ऐड करें तो देखिए एडिशन से क्या होता है, 8 वैल्यू आती है। सब्ट्रैक्शन से वाई माइनस जेड, 5 - 3 = 2। मल्टीप्लीकेशन 5 × 3 = 15। इस तरीके से डिवीजन, डिवीजन में आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मॉड्यूलो करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो आएगी यानी कि आपकी 2। मॉड्यूलो ये आपको आपके डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके शिफ्ट ऑपरेटर भी आता है, तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, 5 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आपका 10 आएगा और राइट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 1 आएगी। रेस टू द पावर एक इन स्टार से मल्टीप्लीकेशन होता था, 2 स्टार से रेजिंग हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल रेजिंग हो जाएगी। तो वाई पावर जेड मतलब 5 की पावर 3 = 125, वो वैल्यू यहां पर आपकी आ जाएगी। अब रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर ये जो है रिजल्ट में आपको 0 या 1 देंगे, तो डबल इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये नॉट इक्वल टू देखिए, नॉट इक्वल टू का ये भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से एंड और नॉट, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अगर हम ये वैल्यूज माने यहां पर तो देखिए, पहले का मैं बता देता हूं आपको, x1 है और क्या ये लेस देन है y प्लस जेड से, यानी कि 4 + 14 मतलब 18, तो हाँ a जो है वो लेस देन है 18 से, तो 1 ट्रू आ जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन ट्रू होता है। लाइकवाइज ये सारी चीजें हैं और वैल्यू इनकी 0 या 1 आएगी, रिलेशन ऑपरेटर की 0 या 1 आती है। ज्यादातर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो अगर हम इन वैल्यूज को अपनाएं, इन वैल्यूज को देखें, तो यहां पर एंड और के लेफ्ट और राइट साइड में देखिए ये जो वैल्यूज आती है 0 आएगी या 1 आएगी, उनके कॉम्बिनेशन आती है, तो एंड में यहां पर डॉट ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और में एडिशन हो जाएगा, और नॉट में जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इन्वर्ट कर दें। नॉट एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब नॉट एक्स जैसे 1 है, नॉट एक्स 0 इज ग्रेटर देन 1 दैट इज 0, ये फॉल्स है। नॉट ये पूरे का करिए उसके बाद फाइनली नॉट कर दीजिए। स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, आप सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में दे सकते हैं इसे, चाहे वर्ड नंबर भी हो, तो अगर डबल कोट्स में आ जाएगा तो ये अपने आप आपका सिंगल या डबल कोट्स हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैसे बनेंगे इसमें, देखिए ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसमें जो नाम आपने आइडेंटिफाई दिया है स्ट्रिंग वेरिएबल का, तो इसमें जीरो जो वैल्यू है वो एच है, फर्स्ट वैल्यू ई है। अब यहां लास्ट से शुरू करिए, तो -1 जो है आपके पास कोलन है, माइनस ये जो सेकंड वैल्यू है यहां पर एल है, लेकिन लास्ट वैल्यू जो है -1, और -2 करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो -1 है इज लास्ट, -2 इज नेक्स्ट टू लास्ट।
स्ट्रिंग ऑपरेशन, आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन देखिए, तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे अगर देखें तो अगर यहां पर हमारा आइडेंटिफायर है माई स्ट्रिंग, जो हेलो वर्ल्ड वैल्यू असाइंड है इसको, तो len ये लेंथ देता है माई स्ट्रिंग की, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वहां आएगी, ये पर्पज इस फंक्शन का है len का, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन माई स्ट्रिंग। अगर आप प्लस करें दो स्ट्रिंग को तो ये जुड़ जाएगा, तो कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन मतलब दो चीजों को जोड़ना। यहां पर परसेंटेज वर्ल्ड परसेंट हेलो, यानी कि जो हेलो है ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा परसेंटेज की जगह, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया यहां पर। ये इक्वेशन, इक्वेशन बेसिकली इक्वालिटी के लिए है, वर्ल्ड हेलो के बराबर है या नहीं, नहीं ये नहीं है वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड के बराबर है, तो ये ट्रू है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग भी हो सकती है, क्या ए बी से छोटा है, सॉरी ए बी से पहले आता है तो ये वन है, और बी क्योंकि ए से पहले नहीं आता है इसीलिए जीरो है। तो सबस्ट्रिंग जो है वो रीअसाइंड हो सकती है, देखिए किस तरीके से। आपके सबस्ट्रिंग है स्पून्स, अगर आप फिफ्थ वैल्यू पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे तो ये स्पून एस की जगह एक्सक्लेमेशन ले लेगा। अब स्लाइसिंग देखिए, अगर आप माई स्ट्रिंग में टू के बाद कोलन लगा देते हैं तो दो के बाद ये चीजें, दो जो है ये दो वैल्यूज वो हटा देगा, देखिए एसपी को हटा के इसने बाकी दे दिया। अगर आप कोलन पहले लगाएंगे और तीन देंगे, जैसे कोई वैल्यू देंगे, तो ये तीन यहां रख लेगा बाकी को हटा देगा। अगर आप वन कोलन थ्री ले रहे हैं तो पहले से वन हटा देगा, बाद में तीन या लास्ट से तीन हटा देगा, तो देखिए पीओ बचा। इसी तरीके से एक परसेंट ऑपरेटर होता है, ये सॉर्ट ऑफ आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जैसे परसेंट एस हैज, परसेंट एन मार, बस परसेंट एस जो है स्ट्रिंग के लिए है, परसेंट एन या परसेंट आई जो है आपका किसके लिए है, ये नंबर के लिए। तो अगर हम देखें तो क्या होगा कि ये जो ब्लैंक्स हमको मिल रहे हैं वहां पर फिलिंग होगी, वैल्यूज टू पुट इन ब्लैंक्स, तो आपकी ये जॉन यहां पर आ जाएगा, 35 जो है यहां पर आ जाएगा। फिर आपका देखिए लिस्ट आ रहा है, लिस्ट में क्या होगा कि आप कुछ वैल्यूज है, आप माई लिस्ट जीरो पे देखें तो ए आ रहा है, माई लिस्ट टू पे जाए तो 3.58 आ रहा है, ये इंडेक्सिंग बता रहा है। माइनस वन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट, माइनस टू लास्ट बट वन। वन कॉलन फोर करेंगे तो ये पहले वाले को हटा देगा यहां पर, और यहां से चार वैल्यू ले लेगा, तो एक दो देखिए बी ये यहां से वैल्यू ले लिया इसने। एक और चीज चेक कर सकते हैं, बी इन माई लिस्ट, बी है हाँ बिल्कुल है, टू हो जाएगा। ई नॉट इन माई लिस्ट, ये इन और नॉट इन जो है आपके कीवर्ड्स है, ध्यान दीजिएगा। ई नॉट इन माई लिस्ट तो ये नॉट लिस्ट में तो है नहीं, तो वो टू हो जाएगा। माई लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे आठ, तो ये लास्ट में जाके आठ अपेंड हो जाएगा। ट्यूपल्स की बात करें, ट्यूपल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्यूपल्स जो है वो इम्यूटेबल नहीं है, यानी एक बार बना दिया तो बना दिया, चेंज नहीं कर सकते आप उसको, जैसे आपने लिस्ट में चेंज कर रहे थे ना अभी, आप यहां चेंज नहीं कर सकते। माई ट्यूपल में आपने 1 2 3 4 दिया, अगर आपको कुछ और वैल्यूज देनी है तो आप दोबारा बनाइए, देखिए माई ट्यूपल इक्वल टू 1 ABC 3 दूसरी वैल्यूज दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये एरर है। अब डिक्शनरी देख लीजिए, डिक्शनरीज में क्या होता है, की वैल्यू पेयर बनते हैं, देखिए की है ये वैल्यू है, की है वैल्यू, की है वैल्यू है, तो अगर आप माई डिक बी देखेंगे तो उसकी वैल्यू 3 है, माई डिक सर्टिफाई देखेंगे तो उसकी वैल्यू 2.85 एंड 7 सो फॉर। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए माई डिक में आर के पास 1 है, जी के पास 2 है, वाई के पास 3.5 है एंड सो ऑन सो फोर्थ। माई डिक डॉट कीज करेंगे तो कीज कीज आ जाएंगी केवल, देखिए इसमें की क्या क्या है आपके पास, ये सब जो वाई आर 8.5 इस तरीके से, और जो वैल्यूज है तो ये की वैल्यू पेयर में जो वैल्यूज है 3.58129 ये वैल्यूज आ जाएंगी, और माई डिक वाई करेंगे ये तो आपको 3.5 मिलेगा। वाई को जाइए देखिए 3.5 इसके पास है तो ये मिल जाएगा। माई डिक्ट हैज की आर क्या है क्या नहीं, हाँ बिल्कुल है तो ट्रू हो जाएगा। माई डिक्ट अपडेट आप ए कॉलम 75 तो ए कॉलम 75 जो इसमें अपडेट होके आ जाएगा, तो एड पेयर्स टू डिक्शनरी, ये अपडेट यहां पर हो जाता है। डिक्शनरी में क्या खास बात है, स्लाइसिंग अलाउड नहीं है, रेफरेंसिंग इनवैलिड की इज एन एरर, जो है ही नहीं उसको एरर को आप रेफरेंस नहीं कर सकते, जैसे आप रेड को रेफरेंस कर रहे थे यहां एरर आ जाएगी आपकी। इनपुट आउटपुट आपके पास रॉ इनपुट करके फंक्शन है जो पूरा लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर ले लेता है। वन ऑप्शनल आर्गुमेंट है तो स्ट्रिंग टू प्रॉम्प्ट यूजर, इफ इंट और फ्लोट इज डिजायर्ड, अगर आपको ये डिजायर है तो आप क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग लीजिए इसके आगे इंट लगा दीजिए, मतलब स्ट्रिंग को राउंड ब्रैकेट में करके इंट लगा दीजिए, स्ट्रिंग को राउंड ब्रैकेट में करके फ्लोट लगा दीजिए, आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा इंट या फ्लोट में। देखिए यहां पर आप यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करेगा, ये आपका फंक्शन है, ये इसको इनपुट करेगा mystr, आपका यहां पर जैसे आप mystr करेंगे क्योंकि इसके अंदर एंटर स्ट्रिंग आ गया है, mystr जब भी करेंगे तो हेलो वर्ल्ड इसको आपको मिलेगा। आउटपुट के लिए आपको प्रिंट फंक्शन से क्या करना है, आउटपुट कर सकते हैं आप, मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। पहली चीज यह है कि
जब आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे ए बी सी डबल कोट से कॉमा करके प्रिंट करेंगे तो ए बी सी प्रिंट होगा, लेकिन इसके बाद अपने आप ये न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है, मतलब नई लाइन पे कर्सर आएगा। आप नहीं चाहते न्यू लाइन लाना, तो आप क्या करेंगे यहां पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाते हैं यहां पर आपका न्यू लाइन नहीं आएगा, यहां पर नेक्स्ट चीज आ सकती है। अगर आप इन दिनों को ये स्पेस नहीं देना चाहते, तीनों कंबाइन करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, नो स्पेसेस जुड़ गया आपस में। तो आउटपुट एग्जांपल क्या है, हेलो वर्ल्ड। अगर आप ये करेंगे और हेलो अगेन, यहां पर देखिए दो प्रिंट कर रहा हूं मैं, एक कोलन लगा के, तो हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हेलो अगेन दूसरी लाइन में आएगा। लेकिन मैंने हेलो वर्ल्ड किया और यहां पर एक कॉमा लगा दी, देखिए ध्यान दीजिएगा कॉमा लगा दिया और सेम चीज सेम लाइन मैंने प्रिंट करने की कोशिश की, तो हेलो वर्ल्ड के बाद हेलो अगेन आएगा, कोई न्यू लाइन कैरेक्टर पे नहीं जाएगा। अब यहां पर हेलो परसेंट एस वर्ड और परसेंट में क्या दिया आपने, कोल्ड एंड क्रूअल, तो कोल्ड एंड क्रूअल उठ के यहां पर हेलो वर्ल्ड के बीच में आ जाएगा। अब देखिएगा हेलो कोल्ड एंड क्रूअल वर्ड। अगर आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बस प्लस का साइन लगा दीजिए, हेलो कोल्ड एंड क्रूअल वर्ड, ये सब जुड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आप एडिटर यूज करेंगे पाइथन का एडिटर यूज करिए, उस एडिटर में अगर कलर कोडिंग है तो कलर कोडिंग कर दीजिए, इंडेंटिंग अपने आप भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा एडिटर यूज करते हैं। फिर फाइल को रन करिए, रन करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, एरर हो, तो उसको डिबग करिए, फिक्स कर दीजिए एरर को, और फिर आराम से अपना पाइथन चलाइए। थैंक यू सो मच, ये सोर्स है जहां से इंटरनेट से मैंने ये पीपीटी प्राप्त की है। धन्यवाद, शुक्रिया।